I'm on grind. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो पे। और आज के इस वीडियो पे हम लोग जानेंगे कि गाड़ी के आगे का हिस्सा यानी कि फ्रंट साइड की जजमेंट कैसे की जाती है। यानी कि मान लीजिए आपके आगे एक गाड़ी खड़ी है, आपको उसके पीछे लगानी है, तो आप कितनी सेफ डिस्टेंस में उसको खड़ा कर सकते हैं और उसका अंदाजा आपको कैसे आएगा वो आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और दो पर्सपेक्टिव है, एक लर्नर पर्सपेक्टिव है और एक ट्रेन ड्राइवर का पर्सपेक्टिव होता है। और मैं आज कोशिश करूंगा कि ट्रेन ड्राइवर कैसे गाड़ी का जो है डिस्टेंस सेफली रख पाता है आगे की गाड़ी से, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी वीडियो होने वाला है। लर्नर ड्राइवर क्या करते हैं कि किसी चीज़ को रेफरेंस लेते हुए वो फ्रंट साइड को जज करते हैं, और उस टाइम के लिए ये ज़रूरी भी है जब वो गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा हटके है टॉपिक और थोड़ी सी ये आप कह सकते हैं कि मैं आपको प्रो टिप देने वाला है। और जो रेफरेंस लेके फ्रंट साइड की जजमेंट करने वाली वीडियो वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ काफ़ी पहले, अगर आप उसको पहले देखना चाहते हैं तो आई बटन पर लिंक आ रहा है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, जो ट्रेन ड्राइवर होते हैं वो कभी भी किसी चीज़ का भी रेफरेंस नहीं लेते हैं फ्रंट साइड को जज करने के लिए। और अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैं इस गाड़ी के पीछे कितने सेफ डिस्टेंस में लगा सकता हूँ, तो अभी मैं आपको करके बताता हूँ। और वो मैंने किया कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, उसका मैं आपको प्रॉपर ब्रेकडाउन भी दूंगा। तो मेरे आगे वो गाड़ी खड़ी हुई है, तो उससे मैं कितनी सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर पाता हूँ वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये मेरे अंदाजे से मैंने गाड़ी को बिना टच करे खड़ा कर दिया एक बार में। अब देखते हैं ये कितनी दूरी पे है। सो मैंने इसको एक्यूरेटली इतनी सेफ डिस्टेंस में खड़ा कर दिया है। अब मैंने इसे किया कैसे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका सबसे पहला रीज़न है, मुझे अपनी गाड़ी के बोनट का अंदाज़ा हो चुका है चला चला कर। मैं काफ़ी टाइम से इस गाड़ी को चला रहा हूँ, मुझे पता है कि कितनी दूरी तक इस गाड़ी का फ्रंट हिस्सा यानी कि फ्रंट बोनट सेफ है। मैं इसको 2 इंच की दूरी पर भी खड़ा कर सकता था। कहने का मतलब है मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो चुका है, और ये कॉन्फिडेंस आया एक्सपीरियंस के साथ। और मुझे ये भी पता है कि मैं गाड़ी के किस जगह पर बैठा हुआ हूँ, और जो आगे वाली गाड़ी खड़ी है उससे मेरी जो सीट है उसकी पोजिशन यानी कि उसकी डिस्टेंस कितनी दूरी पर है। ठीक ऐसे ही जैसे आप नॉर्मली खड़े होते हैं, तो अभी मैं उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर मेरी गाड़ी की सीटिंग पोजिशन थी, और वहाँ से इस गाड़ी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है जितना मैं अंदाज़ा खड़े खड़े यहाँ से लगा रहा हूँ, सेम वही अंदाज़ा मैंने गाड़ी के अंदर बैठे बैठे लगाना है कि आगे वाली गाड़ी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। फ़र्क बस इतना है, जो अंदाज़ा हम खड़े खड़े लगा रहे थे वो अंदाज़ा अब हमें गाड़ी में बैठ कर लगाना है। तो बात आती है कि ये स्किल आपकी कैसे डेवलप हो पाएगी। सिंपल से स्टेप आपको फॉलो करने हैं, और उनको आप फॉलो करते हैं तो बहुत जल्द आप इस चीज़ को करना सीख जाएंगे। आप बिना रेफरेंस लिए अपनी गाड़ी का जो है फ्रंट जजमेंट करना सीख जाएंगे। तो आइए आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपकी सीटिंग पोजीशन है उससे आपके फ्रंट बोनेट की डिस्टेंस कितनी है। आप स्टेप के जरिए भी आप उसको नाप सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 कदम की दूरी पर जो है मेरी सीटिंग पोजीशन है। आप अगर देखेंगे गौर से कि गाड़ी के सेंटर में मेरी सीटिंग पोजीशन है, तो इससे मैं पीछे का जजमेंट भी आसानी से कर सकता हूँ। वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर कभी एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे कि मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी की सीटिंग पोजीशन यानी कि जहाँ पर मेरा सर है, जहाँ से मैं अंदाज़ा लेता हूँ आगे का, वो 3 कदम की दूरी पर है, और 3 कदम की दूरी ही मेरी सेफ डिस्टेंस है। उसके बाद मेरी गाड़ी आगे टकरा जाएगी। तो यहाँ से कुछ 3 कदम की दूरी इस तरह से दिखाई देती है, और इस चीज का आपको बिल्कुल एग्जैक्ट अंदाजा कैसे आएगा वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी आप फ्रंट साइड जजमेंट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो जरा से भी जल्दीबाजी ना करें। जब आपके गाड़ी से आगे वाली गाड़ी के जो टायर हैं दिखना बंद हो जाएं, तब आप अपनी गाड़ी को स्लो कर दीजिए। ठीक है, स्लो
कर दीजिए, क्योंकि आप उस गाड़ी के नजदीक आ चुके हैं। जैसे टायर हाइड हो जाते हैं उसके बाद जो है आप अपने कॉन्फिडेंस पे धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाते जाइए, और जरा सा भी ओवर कॉन्फिडेंस मत होना। जितना आपका कॉन्फिडेंस है गाड़ी को उतना ही लेकर जाइए, जहां पर आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है वहां पर आप गाड़ी को रोक दीजिए। ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, उससे गाड़ी आपकी टकरा सकती है। तो उदाहरण के तौर पर यहां पर मैं कॉन्फिडेंट हो चुका हूं कि गाड़ी की सेफ डिस्टेंस मैंने मेंटेन कर ली है, और उसके बाद मुझे गाड़ी से उतर कर देखना है कि मैंने कितनी सेफ डिस्टेंस मेंटेन करी है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी भी गाड़ी में बहुत सारी जगह बची हुई, और ये जगह लगभग 2 फीट के आसपास है। कहने का मतलब है मेरे कॉन्फिडेंस से मैं गाड़ी के बीच की 2 फीट की जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन कर पाया हूँ। और आपको अगर 1 फीट की डिस्टेंस को मेंटेन करना है तो आपको थोड़ी सी गाड़ी को और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैं इसको थोड़ी सी आगे और बढ़ाऊँगा, लगभग 1 फीट। अब वो 1 फीट आपको पता कैसे चलेगा, मैं आपको बताता हूँ। ये भी एक अंदाज़ा है, एक्यूरेट 1 फीट तो आप ले जा नहीं पाएंगे। आप इस शीशे के किसी कॉर्नर को रेफरेंस ले लीजिए, उसके बाद कितनी आपने गाड़ी आगे बढ़ाई वो आपको पता चल जाएगा, और आप यहाँ से भी आसानी से बता सकते हैं। कहने का मतलब है अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर मत जाइए, अगर जाते हैं तो दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ क्लियर हुई कि आप अपने कॉन्फिडेंस से 2 फीट की डिस्टेंस को मेंटेन कर पाए हैं, वो आपके लिए इनफ है, तो आप जजमेंट कर पा रहे हैं गाड़ी का ठीक ठाक। आप अपने सीटिंग पोजीशन से आगे वाली गाड़ी की डिस्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए अपनी गाड़ी के बोनट को सेफली आगे वाली गाड़ी से सेफ डिस्टेंस पे मेंटेन कर पा रहे हैं। तो आप यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, आपने जो गैस किया था कि इतनी दूरी पे होगी वो गाड़ी मेरे बोनट से, वो बिल्कुल एक्यूरेट हुआ है। अगर आप अपनी गाड़ी को लगभग 1 फीट की डिस्टेंस में रखना चाह रहे हैं तो आपको इस चीज़ से पता चला कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको थोड़ा समय से पहले हो गया है, तो थोड़ा आप गाड़ी को और बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस करने के बाद आएगी, और मैंने भी ऐसे ही प्रैक्टिस करी थी और मुझे भी इस चीज़ का ऐसे ही अंदाज़ा आया उतर उतर के, जब मैंने देखा कि हाँ यार इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा सकता था। अगली बार मैंने ऐसी कोशिश करी जिससे कि मैं प्रॉपरली गाड़ी को जो है खड़ा कर पाया। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ वो चीज़ें आती है, और कई ऐसी गाड़ियां होती हैं जिसमें बोनट दिखता भी नहीं है, तो आप बोनट को देख के कैसे फ्रंट साइड की जजमेंट कर पाओगे। और अगर मान लो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको कम है तो कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। तो आप क्या होगा, ज़्यादा दूरी पे गाड़ी जो है खड़ी कर देंगे, तो आप उतर के देखिए, आपको लगता है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा दूरी पे है, तो उस चीज़ से आपको अंदाज़ा आ गया जहाँ तक आपका कॉन्फिडेंस था वहाँ पर आपने गाड़ी रोकी, और उससे आपको पता चला कि मैं थोड़ा और आगे बढ़ा सकता था, ताकि आप आगे से उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाए। और 100 बात की 1 बात, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इम्प्रूव भी नहीं करोगे। तो इस लेसन की समरी ये है कि अगर आप अपनी सीटिंग पोजिशन से आगे वाली गाड़ी की दूरी को अंदाज़ा लगाते हुए आप डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो आपका जो है फ्रंट साइड का जो जजमेंट है वो परफेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये जो मेरी सिंपल सी ट्रिक है आपके समझ में आई होगी। आप इसी के अनुसार प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा जैसा कि मुझे मिला है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नए लेसन पर, नई वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।